साले एक तो वैसे ही मूड खराब है, ऊपर से जेल भी यहाँ खुद लगाना पड़ता है। भाई संतोष क्या जल्दी लगाओ इसमें, साले एक तो वैसे ही मूड खराब है, ऊपर से तुम जो है संतोष देखो यार शीशा देखा एक बार। हाँ ठीक है चल कैमरा चालू कर। कैमरा चालू है पर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो रहा, सबने जिम्मा उठा रखा है आज ही मेरा दिमाग खराब करने का। चलो ठीक है। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं मूड मेरा बहुत खराब है आज, इंटरव्यू करने का बिल्कुल मन नहीं है। गैर जबानी प्रोड्यूसर ने भेज दिया मेहमान, ठीक है, कह रहे इंटरव्यू लो इंटरव्यू लो, मन बिल्कुल नहीं है मेरा। खैर मैं बोल लूंगा, मैं तुमने भी जिम्मा आज उठाया हुआ है बोलने का, मेरे को दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं भारत चाइना के बीच बढ़ते तनाव, सीमा पर विवाद और नेपोटिज्म जैसे मुद्दे जो भयंकर रूप धारण कर रहे हैं देश में और गर्मी बढ़ाने को दावत दे रहे हैं, आज उन्हीं पे हम दो दो हाथ करेंगे मेरे सऊदी मेहमान के साथ। नमस्कार, मैं हूं व्लॉग मंत्री और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके चहेते द शो व्लॉग बात में। आज मेरे साथ मेरे अजीज सऊदी मेहमान शेख अबू अल हमजा मेरे साथ होंगे। मंगवा लियो चाय, चाय की पड़ी रहती, आके हम बैठे नहीं है, चाय की पड़ी है तुम्हें, मूड खराब है मेरे से पूछा तुमने चाय के लिए, तो फिर पैसे मांगोगे पैसे काट लोगे। किया हुआ है तुमने। हाउ आर यू शेख, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बे आलमीन। यू लाइक टी और कॉफी? कहावा उत्तम इदमाफी शेख कॉफी अस्वद बिदुन शक्कर जे। क्या मांग रहा है भाई ये? काढ़ा मांग रहा है ये। और ये तमर क्या होता है? बिस्कुट को कहते हैं अरबी में। दो यार जल्दी, जो भी देना है मंगा के दो जल्दी। खैर ठीक है, तुम्हें अरबी अरबी आते नहीं तो शो की रेड पिट जाती। सो शेख साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया चाइना रिलेशनशिप? चाइना नंबर वन हरामी, नंबर वन हरामी, हिंदी में भी नहीं है वल्ला। शेख साहब प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, ओनली जीतू नोज अरेबिक लैंग्वेज। भाई मेरे को बोलने नहीं दे, जैसे स्क्रिप्ट में वैसा चलने दे, ठीक है, मूड खराब मत कर। मुझको इंग्लिश आता है, हिंदी भी आता है, तुमको आता है? अरे तुम्हें तो हिंदी आती है भाई, वैसे ही टाइम खोटी कर रहे। अबे टेबल पड़ी है भाई, टेबल पे रखो ना, जिसे देखो वही मूड खराब करने में लगा पड़ा है। ये क्या है? कावा है ये, और जो बोला था वो सब कुछ है। क्यों भाई जी, तू वही है ना? हाँ। जो तुम बोला हम सब मालूम, तुम क्या बोला जीतू को, हम तुमको क्या बोला? कहवा बोला तमर, खजूर मालूम, खजूर मालूम तुमको, हम तुमको बोला, तुम ये क्या दिया मेरे को? भाई तू तो बिस्कुट बोल रहा था भाई, तो ये तो बाद में देखता हूँ। आप सवाल पूछो, टाइम खराब नहीं करना। ये काढ़ा हमको मालूम, हम इसको पिएगा कोरोना जाएगा। हिंदी हिंदी कहवा तुम दिया मेरे को मालूम। ये किधर तुम इतना गर्मी क्यों है भैया? तुम पंखा चलाता है, एसी नहीं लगाया, इतना गर्मी में इंटरव्यू तुम रखता है हमारा? हम कितना दूर से आया तुमको मालूम? शेख साहब अपना बजट कम है थोड़ा, कर रहे हैं इस पे काम हम। तुम अच्छा आदमी नहीं है, अगली बार हम बुलाएंगे ना। अच्छा आदमी नहीं है तुम, तुम मैं आम तुमको बोला भैया, तुम अच्छा आदमी नहीं है। सऊदी से आया, तुम एसी नहीं लगाया यहाँ पे? चल रहा है काम, अभी कारीगर लग रहे हैं हमारे। काढ़ा तुम पिलाता है कहवा बोल के? कोई नहीं, पियो पियो, अच्छा है सेहत के लिए, अच्छा है, इम्यूनिटी बनाएगा। तो जैसा कि 59 के करीब भारत सरकार ने चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया भारत में, तो आपका क्या मानना है उसके बारे में? वैसे भी हम ताबान हो गया था, हम मोबाइल में टिकटॉक ऐसे ऐसे करता तो कदम नहीं होता, वीडियोस इतना वीडियोस इसमें डाल के रखा। अच्छा किया गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट बंद कर दिया चाइना, बंद अच्छा किया, बंद कर दो सब, बंद करो। तुम्हारे मोबाइल में चाइना ऐप डाला तुम, टिकटॉक वाला ऐप डाला तुम? नहीं मेरे पास नहीं है। तो आपको क्या लगता है, अगर चाइना और भारत का युद्ध होगा तो क्या चाइना भारत को हरा देगा? अबे क्या है ये, कितना कड़वा है ये, मरवाओगे तुम यार, तुम ये लेके जाओ अपना, क्या क्या पिलाते रहते हैं जी। ओए टांग पे टांग झटका पाट देंगे भला, कुछ भी हिंदुस्तान की फौज को नहीं मान रहा तू, कुछ भी नहीं मान रहा के, हमें नहीं जानता तो कौन है हम?
आपका हरियाणवी बैकग्राउंड है क्या? हम ठेठ हरियाणे थे हैं, ठेठ हरियाणे थे, और तू बढ़ कर देखे एक बार सीमा में मार तो सारे घर के फौज में। तो आप इस बात पे ये दबाव देते हुए ये कहना चाहते हैं कि भारत नहीं हारेगा? ये क्या कहता रहता है, अबे जीतू मुझे पता है, नहीं मुझे पता है तेरे को सब बातें आती हैं, मान जा तू, शॉट होने दे पूरा। तूने सोच रहा होगा यूके पैर रहा, अरे तो मैं तेरी हवाली कारण को पैर रखा, थोड़ा सा रोब सब लगा तेरे ऊपर, अरे तो हम तो घुस भर दें। आप तो कई रंग वाली शख्सियत मालूम पड़ते हो। रंग तो ये देखेगा, एक तो फौज की बात कर दी और वह भी हिंदुस्तान की, एक एक आदमी फौज में, अरे ऊपर को देख, एक एक आदमी फौज में भला। लेकिन आप ऐसे कैसे? अरे तू मेरी छोड़, मारे तो घर वालों ने मुझे छोड़ रखा छोड़न के नाम का, और तेरे पर लपेट जाती हूँ लपेट ले, माँ दादा जी तू ले जाएगा ठाक है, और टेंशन बिल्कुल ना लिए, बस पर्ची वो तैयारी मैं तो गंडे खड़े पूरे छोड़ देंगे। कितनी देर का रह गया? अभी तो रह गया है यार, बहुत देर का रह गया है, अभी तो मूड खराब करके रखा हुआ है, पिए ही हो पानी भी, रुक जा। तो शेख साहब, आजाद कश्मीर और गलवान वैली के बारे में आप क्या ख्याल रखते हो? ला 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 ला, हा द कश्मीर ओ गलवान वैली मालूम, हा द कुल्लू मल मल हिंद, कुल्लू मल हिंद, अड़ंगा बहुत ले रहे हम भला, और सारा बॉर्डर पर पहुँचा दिया, एक बार मोदी जी के कहने की देर है, छह लड़े पाट देंगे, माफी माफी आती वाहद नुकता वाहद माफी आती जैन इन तो माफी मालूम अरे एक बात सा माफी मालो, मैनू कह रहा हूँ अग यू जो कश्मीर है भी जोन से कि तम को आजाद कश्मीर यू भी और यू गलवान वैली, ये तो मारे ही नहीं है भाई, अरे हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन ले लेंगे, ये तो हमने छोड़ रखी भी थोड़ी सी डील ही है भला। मैं ना यार शेख नाम मेरे बोला भी नहीं जा रहा है, शेख नाम बोल बोल के ना मैं थक गया हूँ, कोई दूसरा नाम है जो मतलब देसी जो भाषा आप बोल रहे हो हरियाणवी, ऐसा कुछ नाम है आपका? भाई ऐसा है, नाम तो मेरा है छगन पाल हसेगा तो भी, लेकिन मैं जब सऊदी में रहूँ तो मेरा वहाँ नाम है भाई शेख अल हमजा, अरे तो मुझे शेख ही शेख कहें लोग, बाजे आदमी मुझे हमजा भी कह दें भला, पर तेरा जी तो जैसे हमजा बोलना चाहे छगन पाल बोलना, पर देख नू है हंसी ना। खैर छोड़िए छगन पाल जी, इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये बताइए कि जो नेपोटिज्म की आजकल बाहर चल रही है दवा के, क्या मानते हो, क्या व्यूज रखते हो आप उन पे? वैसे एक बात बोलूं, रोकना चाहूंगा, नाम जो है ना एक नंबर नाम है आपका, छगन पाल, ग्रेट, इश आद नेपोटिज्म इश, लेकिन शुफ शुफ वाह दगेगा लेश हार ज्यादा मिन्नी वल्ला वागिद हारफे मिन्नी अक्सम बिल्ला इदा माफी हिंद हादा अर्ज कसर रास मारिंद वल्ला कलाम साहब वल्ला कलाम साहब माफी कलाम ज्यादा के हो यू नेपोटिज्म नहीं के हो यू नेपोटिज्म कुछ हो भी यू माने परिवारवाद समझ तो आप गई होगे, आइडिया तो लग ही गया होगा छगन पाल जी, हंसी आती है मतलब मजा आ जाता है मेरे को आपका नाम लेते ही, वो जो शेख साहब तुमने रखा हुआ है ना नाम वो नहीं रखूंगा मैं, छगन पाल ही बोलूंगा आपको, तो बताओ क्या मतलब क्या है? अरे हटा कुछ भी ना नेपोटिज्म, सारे जो है ना फेवरिज्म की बात हो या आ रही होगी समझ में, तो ये तो हिंदी कह रहा मैं तो जय अगे अभी नहीं आती तेरे पे, और वो कहाँ है जी तू यू कब तो ले जाता कद लो दे रखोगे तो मेरे हाथ में यू दे ये कब दे दो, अरे के बनाया था यू कुछ है भी यू काढ़ा काढ़ा कही थी कॉफी ले काढ़ा बन रहा नवाब यहाँ नमक जीतू। अच्छा फेवरिज्म, तो कैसे रिलेट करोगे मतलब कैसे मिलान करोगे दोनों चीजों का कि ये अलग है ये अलग है, परिवारवाद फेवरिज्म आपने बताया, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस हो। क्या बात है, कहावत भी आपने तो मतलब अपने जैसी रच दी, बिल्कुल मतलब काचे काट रखे हैं, मतलब कुछ नहीं छोड़ो रखे नहीं है के मतलब के था तेरा इस बात का कहने का, हमें एक दो बात पूछनी। हरियाणा मतलब लाठी और भैंस, तुझे एक बात का नहीं पता ये दोनों कितनी काम आवे, भैंस तो दे दूध पीन को और लठ जिप पिले भी लोगों पे सुधे हो जा खूड़ में, जिप दूध पीवेगा तकता होगी भला,
और जिब लट पिला होगा जिब भी ताकतिया हुए बाबू का सका ऐड दे भीतर का एक वर्क में। अच्छा छगन पाल जी, आपके साथ मीटिंग करके ना एक ये छोटा सा इंटरव्यू करके मजा आ गया। अच्छा जाते जाते आप ये बताइए कि जो चाइना है, भारत के लोग उसे हराने में, आर्मी तो अपना काम कर ही रही है, भारत के लोग उसे हराने में और मैं आप मिलके कैसे उसको हरा सकते? शोफ अना खबर हिंद वल्ला कुल्लू हिंदी अना खबर जेन इधे इंटरनेशनल चाइनीज ऐप सिम सिम मोबाइल मालिन था खली बर्रा खली बर्रा अना कलाम इंत खली बर्रा बादेन माफी स्त्री सामान माल चाइना स्त्री सामान माल हिंद। जितनी अगर तुमने चाइनीज ऐप गिर रखी हूँ भाई मैंने तो हटा दो पहले। दूसरा ये सस्ते का चक्कर में ना पड़ा करो, ये सस्ता जो देवे है भी एक तमेज बात का नहीं पता होगा इनके कितने रुपए बने हैं बहुत। अद भाई थोड़ा सा महंगा ले लो पर हिंदुस्तानी ले लो, और नहीं तो कौन से दूसरे देश का ले लो पूरा दौरे का, पाकिस्तान को छोड़ दियो और वे तो बनाते नहीं कुछ, उनका लेना के है। और भाई दगीगा दगीगा वाह दगीगा बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह कैफल हाल कुल तमाम या सदीक सभी आदत सब्सक्राइब माल शिव यूनिट मालूम इंतजैन खल्ली हदा प्रेस बाद नोटिफिकेशन जैन कुल्लू सुबह एक ही वाहद एपिसोड ओके तमाम यल्ला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु कुल्लू नफरात जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह आती खिलाफी है। जो ये सुलगता मुद्दा है आज़ाद कश्मीर और गलवान वैली क्या था फिर इसका आगे इसका आगे क्या था गलवान वैली के आगे आजाद कश्मीर और गलवान वैली के बारे में आपका क्या ख्याल है? 1 2 3 एक्शन। तो शेख साहब रुक जा, मूड तो था नहीं आज, लेकिन मूड बिल्कुल अभी छगन पाल जी से मिलके हरा भरा हो गया है। आपको कैसा लगा इंटरव्यू नीचे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली बार फिर एक सक्सेस से मिलेंगे अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो। मूड कब अच्छा रहेगा? जब इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे। पिछली वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, मजा आ गया, दिल हरा भरा हो गया था, लेकिन आज फिर प्रोड्यूसर की वजह से दिमाग की दही हो गई। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।